आजादी के जंग में हमारे जो सिद्धांत, हमारे जो मूल्य थे, उसको और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत थी। तो गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने हार्डिकर नाम के युवा को चुना, और वो हार्डिकर जी का एक टीम था जो लगातार एक आजादी के जंग में आके आगे आके लड़ता था, और उनको युवाओं को प्रशिक्षित करने का जिम्मेदारी मिला। हिंदुस्तानी सेवा दल के नाम से संगठन को जो है वो 1923 में बनाया गया। सेवा दल की मुख्य तीन भूमिकाएं कि राष्ट्र निर्माण के लिए चरित्रवान मूल्यवान कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, आजादी के जंग में लड़ना और अनुशासन और सत्य के साथ, और साथ ही साथ जनता की सेवा करना। सेवा दल का जैसे ये ड्रेस कोड आप देख रहे हैं, शांति का प्रतीक माना जाता है। मैं रीवन राहुल जी के साथ चर्चा जब कर रहा था, तो राहुल जी ने जब सवाल पूछा कि क्या फायदा है पदयात्रा का, तो हम लोग बोल रहे थे कि एक नेता का कार्यकर्ता से और कार्यकर्ता का जनता से जुड़ने का इससे बड़ा संयोग नहीं हो सकता है। अखंड दर्शन करना है तो किसानों के मुद्दे को, मजदूरों के मुद्दों को, हमारे स्लम में रहने वाले के मुद्दों को, हमारे युवाओं के सवालों को समझना पड़ेगा। तो ये पदयात्रा के बिना संभव नहीं है। हमारी यात्रा है खुद को पहचानो, समाज को समझो, देश को प्यार करो और जय जगत का नारा बोलो। उनकी यात्रा है राष्ट्रवाद से शुरू होकर खुद पे आकर रुकती है। संघी लोग चलते हैं तो डंडा लेकर चलते हैं, हम चलते हैं तो झंडा लेकर चलते हैं। अगर उनके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है, और वो डंडे से तोड़ेंगे, हम झंडे से जोड़ेंगे।